स्विंग जानबूझ के गिरने का नाटक करता है और यू को गले लगा लेता है और वो काफी देर तक ऐसे ही रहता है। यू उसे कहता है कि जियान भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो फिर मुझसे थोड़ी दूर रहिए। लेकिन स्विंग उसे अपने और करीब खींचता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है इसलिए मैं सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। और वो सोचता है कि उसकी कमर तो कितनी पतली है और उसका नेक कितना गोरा है। मैं अभी ही यहाँ से एक बाइट लेना चाहता हूँ। लेकिन इस बार स्विंग अपने इमेजिनेशन में यू के नेक पर बाइट करे उससे पहले ही वो अपने इमेजिनेशन से बाहर आ गया, क्योंकि यू ने जोर से कार का दरवाजा बंद किया था उस आवाज से। फिर यू उसे सहारा देते हुए लिफ्ट तक ले आया जिसमें उसे बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ी और वो थक भी गया। उसने स्विंग से पूछा कि कौन सा फ्लोर। स्विंग ने बताया कि 28 फ्लोर। तभी उसके पेट से भूख की आवाज आई तो वो बहुत ही एम्बैरस हो गया और कहता है कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो फिर ऊपर पहुंचते ही यू उसके लिए खाना ढूंढने लगा और उसने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स ही है, क्या इससे काम बनेगा। स्विंग ने बताया कि हाँ चलेगा, तुम जो भी बनाओगे मैं खा लूंगा। और वो यू को काम करते हुए देखता हुआ सोचता है कि लगता है वो लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता। फिर वो उसे बुलाता है कि ले यू यहाँ पे आके मेरी मदद करो, मैं शावर लेना चाहता हूँ, तुम मेरे कपड़े निकालने में मदद करो। वो यू को बाथरूम में ले गया और उसके सामने ही अपना शर्ट निकालने लगा और वो सोच रहा था कि पता नहीं उसे लड़कों में इंटरेस्ट है या नहीं, और अगर उसे लड़कों में इंटरेस्ट है तो फिर मुझे इस तरह से कपड़े निकाल के वो जरा सा भी रिएक्शन नहीं देगा तो मैं उस बात पे यकीन करूंगा ही नहीं। और कहा कि मुझे पकड़े रखो, मैं अभी मेरा पैंट निकालने जा रहा हूँ। लेकिन वो जब अपना पैंट निकाल रहा था तब यू उसके हाथों के बारे में सोच रहा था कि पता नहीं ये जेनेटिक है या फिर कुछ और है। दोनों भाई के हाथ कितने खूबसूरत है लेकिन इस बंदे की सिर्फ बॉडी अच्छी है, अगर पर्सनैलिटी वाइज देखा जाए तो। वो ये सोच ही रहा था तब अचानक से फ्लिंच हो गया क्योंकि स्विंग अपना अंडरवेयर भी निकालने लगा था। वो तुरंत ही दूसरी ओर देख लेता है कि मैं टब का गर्म पानी चेक करके आता हूँ। लेकिन स्विंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम जब वो चेक करने जाओगे तब मुझे क्या करना चाहिए। और वो मन में बोलता है कि अच्छा, तुम मेरी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं करना चाहते, क्या यही वो साइन है। यू उसे खड़ा रहने में सहारा देता है और कहता है कि तो फिर इसे जल्दी से निकाल दीजिए। वो ये बोल ही रहा था तब अचानक से स्विंग का बैलेंस गया, वो उसके ऊपर गिरने लगा और स्विंग ने यू के नेक पर किस कर लिया। फिर वो उससे दूर हुआ और कहा कि उप्स आई एम सॉरी, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लेकिन उसने देखा कि ओह वो तो ब्लश हो गया, ये लड़का भी कितना क्यूट है, वो तो एक मैन जितना मैच्योर है लेकिन वो एक टीनेज की तरह ब्लश होता है, वो इतना खूबसूरत भी है, आखिर इस तरह का पर्सन तो हमें कहाँ मिल सकता है। जिंदगी भी एक बार ही मिलती है तो फिर हम जो करना चाहते हैं वो कर लेना चाहिए, उसकी फैमिली उस बारे में क्या सोचेगी, मुझे उस डर में नहीं रहना चाहिए, मुझे वो चाहिए और मैं उससे अपना बना के रहूंगा। यू कहता है कि अब मैं बाथटब सेटअप करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो स्विंग को सहारा देकर बाथटब तक ले आया और कहा कि आप नहा लो, मैं आपके लिए नूडल्स बनाने जा रहा हूँ। स्विंग सोचता है कि ऑफ कोर्स वो तो अभी एक छोटा लड़का है लेकिन लगता है कि मैं इस छोटे लड़के से भी प्यार कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।